एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कई बच्चे जो है ना क्वेश्चंस को देखकर कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो गए। देखो यार, डिमोटिवेट होना ये एक वो अप्रोच है कि आपको पता है कि भाई सामने आप एक युद्ध में उतर रहे हो, आपको पता है कि सामने वाली जो आपका दुश्मन है, सामने वाला जो दुश्मन है वो बहुत स्ट्रांग है। अब किसी ने आके आपको जानकारी दे दी कि भैया देख सामने वाला जो दुश्मन है ना कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, वो एकदम ऐसे ही है बस, ठीक है, मतलब उसके पास तो ना कोई अच्छी सेना है ना उसके पास अच्छे योद्धा है, है ना, और वो दुश्मन जो है खुद मतलब पागल सा इंसान है, उसको कुछ आता जाता नहीं, लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, और तुम एकदम जो है चिल हो गए कि अच्छा ठीक है यार बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं, और तुम भी युद्ध में बिना प्रिपरेशन के या ढीली ढाली प्रिपरेशन के साथ उतर गए और सामने दुश्मन आ गया एकदम तगड़ा सा, तो युद्ध तो हारना ही है ना। इससे बेटर क्या होता कि तुम्हें सही इंफॉर्मेशन मिलती और उसकी तुम सही से तैयारी करते, ठीक है, कि जो सामने वाला जो एनिमी है वो बड़ा ही ताकतवर है, नो डाउट जेईई में सवाल अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, तो बिना उनको किए उस लेवल के सवालों को छुए आप जेईई का पेपर देने उतर जाओगे तो हार निश्चित है भाई साहब, है ना। तो क्या किया जाए, तो एक तो ये है तरीका कि भाई तुम इजी इजी पढ़ो और लास्ट दिन हार जाओ, और एक ये तरीका है कि रोज हारो रोज सीखो और फाइनल बैटल जो है वो जीत जाओ। क्या लगता है भाई, रोज हारो ठीक है, ये प्रैक्टिस चल रही है अभी, यहां पर तुम्हें अगर डिफिकल्टीज महसूस होती हैं, कई क्वेश्चंस टफ लगते हैं, तुम उनसे हारा हुआ महसूस कर रहे हो, देखो डीमोटिवेटेड फील मत हो, तुम हार रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उससे सीखो, कंसेप्ट को सीखो समझो, जिससे कि फाइनल बैटल जो है ना वो जीत पाओ। समझ में आ रही है बात? और अगर यार अब कई जैसे कई बच्चे मैंने कमेंट देखे थे, एक बच्चा कह रहा था कि सर प्लीज इजी इजी पढ़ाओ। अरे यार इजी इजी पढ़ाएंगे तो आप समझ रहे हो मतलब फिर तो आप जेई वाला पे मतलब ही क्या है फिर इस चैनल का जेई नाम रखने से, है ना। और आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हर लेक्चर टफ नहीं होगा, हर लेक्चर इजी नहीं होगा, क्योंकि जेई के अंदर भी हर पेपर जो आता है हर साल में उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार आज का लेक्चर बड़ा टफ था तो प्लीज ऐसे लेक्चर्स मत दीजिए, या आज का लेक्चर बड़ा इजी था तो प्लीज ऐसा इजी इजी मत पढ़ाइए, क्योंकि हर तरह का क्राउड आता है। मैं ये भी देखता हूँ कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो जेई मेन लेवल का पढ़ा रहे हो आप, भाई जेई एडवांस में इजी सवाल भी आते हैं, टफ सवाल भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, तो मैं तो हर तरह की चीज पढ़ाऊंगा। अब आपकी मर्जी है आप उसमें क्या क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर आपको अभी लग रहा है कि यार मेरा ये पोटेंशियल नहीं है, है ना, मतलब मेरे पोटेंशियल के ये सवाल मुझे लग नहीं रहे, तो स्किप मार दो उनको, बाद में तुमसे होने लग जाएंगे, है ना। जैसे मान लो तुम कहीं गए बूफे में और वहां पे बहुत तरह तरह का खाना है, है ना। अब हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अब तुम ऐसा तो सोच नहीं सकते कि मैं सब कुछ खा जाऊंगा, ऑब्वियसली कुछ तुम लिमिटेड अमाउंट ऑफ तुम्हारे कैपेसिटी के हिसाब से चीजें खाओगे, कोई चीज तुम्हें नहीं पसंद आ रही है उसको छोड़ोगे, जो अच्छा लग रहा है वो खाओगे। तो यहां पर भी वही करना है, है ना, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी तो अपने आप जो चीज तुम नहीं खा पा रहे थे क्या पता वो भी आगे जाके खाने लग जाओ, मतलब जो चीज तुम अभी पचा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, वो तुम्हें समझ में आ जाए।